दिल्ली के राओ आईएएस कोचिंग में घटना के बाद से पूरे देश में बवाल है। आपको बताते चले कि अलग अलग जगह पर छात्रों में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन बिहार सरकार पूरी तरीके से अब एक्टिव हुई। आपको बताते चले कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने कई जिले के पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया, और कल ही यानी राजधानी पटना के कई कोचिंग संस्थानों में दल बल के साथ तमाम अधिकारियों की टीम पहुँची हुई थी और एक एक चीज़ों का मुआयना किया गया। इसको लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, सुनवाते हैं आपको। कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रश्न पूरे बिहार में, हमने विभाग को अपने कहा है, सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के पदाधिकारी, उनको पत्र दे दिया गया है। उन्हें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स है कि नहीं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ये निर्देश उन्होंने भी विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस और प्रतिलिपि, हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो का जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। उसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है। और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई। शिक्षा मंत्री का संदेश माने तो बिहार जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा जो जो फायर सेफ्टी के मानक, फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करेगी, यहाँ जो कमी है उसके बाद उनको एनओसी वगैरह लेना होगा। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ निर्देश दे दिया है तमाम अधिकारियों को। उन्होंने कहा है कि हमने एक एक अधिकारियों को, जिला के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जाकर के वहाँ पर फायर सेफ्टी से लेकर के तमाम जो व्यवस्था है कोचिंग संस्थानों की, उसकी देख रेख करें, और किसके पास जो व्यवस्था नहीं है उसको लेकर के तमाम जांच का निर्देश दिया गया है, और जो भी उचित होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।